गई, दूसरे साल खुले छोड़ेंगे कि भाई बीमा नहीं है। बीमा कभी भी खुले छोड़ के ढंग नहीं बनता है, वो बनाना पड़ता है आपको। उसका अलग तरीका है कि आपको उस पोर्शन में ग्रोथ रोकनी होती है। जैसे आप अंदर का पोर्शन है उसमें आप ग्रोथ लोगे तो क्या फायदा उसका। मैक्सिमम ट्रीज हमारे पतली टहनी पे बीमा होता है, झाड़ की फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है। जितने मोटे टहने के नजदीक बीमा होगा उतना अच्छा होगा, फ्रूट क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी, साइज उतना अच्छा आएगा। और हमारे क्या होता है कि इसी कैनोपी ऊपर बन जाती है कि धूप अंदर तक नहीं पहुंचती है। फ्रूट क्वालिटी और रंग में साइज में सबसे मेन रोल धूप का होता है, सनलाइट का। हमारे आधे पेड़ में आती है धूप, आधे में नहीं आती है, क्योंकि हमने ऊपर की टहनी इतनी फैला दी हुई है कि उसमें धूप ही नहीं पहुंचेगी अंदर तक। आपके जहां से ब्रांचेस शुरू होती है वहां भी धूप पहुंचनी चाहिए, तब फायदा है। आप उस तरीके की कैनोपी बनाओ, वो एक ही तरीके से कि आप बीमा इस तरीके से बनाओ कि मोटे टहने के नजदीक ही रहे ब्रांचेस बेशक रखो बहुत। मैं ये नहीं बोलता कि पेड़ 10 फुट का बनाओ, 20 का बनाओ, 50 का भी बना सकते हैं, 50 फुट का, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैंने 10 का बोला या आपने 20 का बनाना, 50 फुट का बनाओ। पर धूप हर बीमे के पास, हर फ्रूट के पास पहुंचनी चाहिए, तभी आपकी फ्रूट क्वालिटी बनेगी। हमारे क्या है कि हम सेब तोड़ते हैं तो 30-40% सेब थिनिंग करके आता है, ये रंग वाला है, बाकी तो पीछे रह गया, बाकी आ रहा है। बी ग्रेड हमारे कलर लगती वैसे बहुत ज्यादा आता है, इसमें कलर ही नहीं आया है, तो सिर्फ एक कारण है कि वहां तक धूप नहीं पहुंच रही। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप मोटे टहने में बीमा बनाएंगे, आपके जो सनलाइट से कैंकर लगता है, जो कि मैक्सिमम पुराने ट्रीज हमारे मर रहे हैं, वो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सनलाइट लगेगी नहीं कभी। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहां ग्रोथ आपको चाहिए और कहां आपको फूट चाहिए, कहां बीमा चाहिए। अगर आप बीमे के पास ग्रोथ लेंगे तो ऑल्टरनेट बेयरिंग होगी होगी, जैसे कि आपकी छोटी सी टहनी है कोई, वहां आप कट कट मार के मांगे ले जाते टहनी को, अगर वहां ग्रोथ होगी तो वो रेगुलर बेयरिंग नहीं करेगा। और रॉयल जैसे सेब की ऑल्टरनेट बेयरिंग है ही नहीं है अगर आपके बीमे के पास ग्रोथ नहीं है। जो आप ग्रोथ में ले जा रहे हैं कट मार के टहनी, तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑल्टरनेट बेयरिंग तो होती होती है, दूसरे और फ्रूट भी साइज नहीं बन पाता, क्योंकि वो ताकत सारी वर्कशूट में चल जाती है, जहां तक मारेंगे वहां तीन टहनियां बनेगी, वो ताकत सारी उसमें गई। अगर आप वहां ग्रोथ रोक लेंगे तो वो ऑल्टरनेट बीरिंग कभी देगा नहीं, वही बीमा हर साल रेगुलर 20-25 साल कम से कम सेव देगा। इस कंसेप्ट के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। तो सबसे पहले हमें ये देखना, आइडेंटिफाई करना है कि कहां हमारे को बीमा चाहिए, कहां हमारे को ग्रोथ चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा, बीमा छेड़ना नहीं होता, बीमे का कोई कटिंग नहीं करनी होती। अगर आपके मजबूत बीमा तो भी चार बीमे तो चार ही रहेंगे, उसके 20 नहीं बनेंगे बाद में, मैक्सिमम 6 बन जाएंगे, एक जगह 2 निकल जाएंगे, वही होगा, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं होगा कि भी आगे बढ़ेगा पीछे बढ़ेगा। और जहां आप ग्रोथ लेंगे वहां बीमा पुराना भी होता जाएगा। और दूसरी बात, जहां जैसे एक साल हमने कट मारा, दूसरी साल और आगे गए, तीसरी साल और आगे गए, वो हमारा बीमा आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ा, पीछे की हमारी टहनियां खाली रह रही है। इस वक्त हमारे ओल्ड ऑर्चर्स में कम से कम 80% एरिया ऐसा है जहां बीमा होना चाहिए था और कोई ग्रोथ नहीं है। हम वाटर शूट सारे काट देते हैं। मेरा तो ये कंसेप्ट है कि एक भी वाटर शूट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें बीमा ना बने, सब में बनना चाहिए। हमारा पेड़ अंदर से खाली होता बिल्कुल, 7-8 फुट की जो ऊपर चढ़ना है पेड़ पे चढ़ना है, जगह बनाओ, अपने लिए जगह बना रहे, हम सेफ के लिए जगह नहीं बना रहे। और सबसे बढ़िया फ्रूट उसी एरिया में बनता है, ये ऊपर चलेंगे बीमा टूट जाएगा। 100 बीमे है, 10 टूट के 90 तो आपके ना, वो तो नहीं टूट रहे फ्रूट। जिस पेड़ में मेरे ख्याल से जनरली, मैंने बहुत सारे बगीचे विजिट किए, अभी रोड भी था, मैं सब जगह था, वो बोलता मैं 10 पेटी निकलती हूँ, उस पेड़ में मेरे 40 पेटी निकलती है। और साइज भी होता है, फ्रूट क्वालिटी भी होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे, हर जगह पे मेरी धूप पहुंच रही है, जो कि हम कभी सोचते ही नहीं। प्रूनर्स हमारे ट्रेडिशन है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि प्रूनर्स ही मेरे ऑर्चर्ड में ला रहे हैं, हमारे पास चाहिए, तब उनको समझ आ रहा है। ऐसे नहीं समझ आया कि मैं आपके बीचे में आ जाऊं कि भी ऐसी होती है, नहीं, ऐसे नहीं समझ आया। मैंने कल सीखा, कुछ आपसे सीखा, कुछ आपसे सीखा, कुछ आपसे सीखा, कुछ आपसे सीखा, कोई ट्रेनिंग नहीं है मेरी, वो प्रैक्टिकली कुछ सालों में बढ़ते बढ़ते अच्छा रिफाइंड हो गया।
अब जिस पेड़ में मेरे 20 पेटी लगती है, मेरे को उसमें सिर्फ 20 मिनट पोर्निंग करने में लगता है, 20-25 मिनट लगते हैं मेरे सिर्फ पोर्निंग करने में उसमें। और अगर आपने उसमें पोर्निंग करनी है तो आपका पूरा दिन लगेगा। क्यों? बाय वेट अगर आप कैलकुलेट करोगे कोई भी पेड़ ला, 25-30% हम बाय वेट वो हर साल काट रहे हैं वाटर शूट के रूप में। ये सोचो पेड़ को कितना नुकसान हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का कितना नुकसान हो रहा है, कोई नहीं सोच रहा उसके बारे में। हमारे को तो बस हर जगह ग्रोथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ग्रोथ में पेड़ है, ये पेड़ बढ़िया है। हमारे को शक्ल सूरज चाहिए पेड़ से, पैसा नहीं चाहिए। ये पूरा बढ़िया, इसने बहुत सुंदर पेड़ बनाया। हमारे को पैसा चाहिए इसीलिए लगाया हमने, तो पैसा तब मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा फूटिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फूट आएगा उसके। तो छोटे पेड़ों के बारे में तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी जितने भी रूट स्टॉक्स है या फिर है तो मेरे पास भी बहुत है। मेरे ख्याल से अभी 1% भी नहीं पहुंची उस पे क्रॉप्स, जिन्हें चुने और चोट को छोड़ के जिन्होंने नए सिरे से किया या वर्जिन लैंड में किया। तो मैं तो नई जनरेशन को ये बोलूंगा कि पहले अपने घर के बगीचे, पुराने बगीचे जिससे पहले से लेकर आपको खर्चा मिला उसकी ओर देखो, थोड़ा सा करो, ट्रायल्स करो, थोड़ा बहुत करो, सक्सेस होता तो और चेंज करो। ये जरूरी नहीं है कि मेरे ऑर्चर में 111 बोले कि आपके भी होगा, उसमें बहुत सारी कंसल्टेशन मिली करते सॉइल टाइप। और बेसिकली हमारी चिकनी मिट्टी है ज्यादा, हाइट कुछ और, हाइट में थोड़ी लोमी है या क्ले है। तो क्ले सॉइल के लिए तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल 4-5 साल चलेगा, 6 साल चलेगा, जिस फसल लगेगी उसकी ग्रोथ जीरो हो जाएगी। तो पहले ट्रायल्स करो कि आपकी कौन सा रूट स्टॉक सक्सेसफुल हो रहा है, तब उसको लगाओ। और अभी 99% से ज्यादा क्रॉप हमारी कर रहे हैं और उससे निकल ये पैसा भी उसी से कमा रहे हैं। देयर नॉट अ सिंगल याद ऐसे किसी की सक्सेस स्टोरी जिसने रूट स्टॉक का बगीचा तैयार किया और उसी एरिए में बड़े पेड़ के बराबर सेब उतारा हो, नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। हमारे को यही पता कौन सा रूट स्टॉक लगाना है। इन्होंने बोला जी मेरे भी चला, मैं मेरे को भी पूरा हिमाचल छान मारूंगा कि मैंने वो ही लिया जी। ये है फैक्ट है। ग्रोथ कंट्रोल कंट्रोल करने के 2-3 तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं कि हम मजबूत टहनी रखते हैं चाहे हमने बीमा बनाना है। बीमा हमेशा कमजोर टहनी में बनाया जाता है, मजबूत टहनी तो ग्रोथ में जाएगी और ग्रोथ रोकने का भी उतरीका है। और दूसरा हम कट बहुत लगा रहे हैं, हमारे 6 फुट की ग्रोथ है नए पेड़ में, 8 फुट की ग्रोथ है, हम उसको 6 इंच रखते हैं, और स्ट्रॉन्ग जाएगा 6 इंच में। 10 साल में आपका पेड़ 7 इंच जाएगा, 5 फुट का बना। 10 साल में पेड़ को 5 पेटी सेब देनी होगी। मैं ट्रेडिशन बोल रहा हूँ, ये रूट स्टॉक की बात नहीं कर रहा। 10 साल में 5 पेटी नहीं तो फायदा क्या है काम करके इतनी फास्ट उसमें? तब तक तो वैरायटी कोई दूसरी आ जाएगी मार्केट में, वो तो चलेगी नहीं आपके। 6 फुट की ग्रोथ है जी, हम 6 इंच रखते हैं, मैं 5.5 फुट रखता हूँ। अरे देखिए जब तक आपने दूसरे साल 5.5 फुट में पहुंचना तो मैं वहां से 5 फुट और आगे चला गया हूँ। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि नीचे तंगा बहुत मोटा हो जाता है अगर आप कटिंग कम करेंगे, हेडबैग कम देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोटी हेडबैग की पेपरी बार, मैक्सिमम शिकायत नए पेड़ में पेपरी बार आ रहा है, वो तो आ रही है। आप 90% एक ट्री से 90% तरह से उगाते हैं पर 10% रख रहे हैं तो उसने भी तुमने आपको रिवाइव करना है, उसने भी सर्वाइव करना है। वहां से सैप कितना निकलेगा, जख्म कितना बड़ा कर दिया आपने। कभी ट्राई करो थोड़ी सी हेडबैक 2-6 इंच की ग्रोथ उससे अच्छी होगी जो आप नीचे से हेडबैक कर रहे हैं। और एक भी आंख नीचे बंद नहीं रहेगी, सारी खुल जाएगी और सारा आपका फूटिंग एरिया बनेगा। इस वक्त 80% आंखें हमारे पेड़ की बंद है जहां हमारे को फ्रूट उतना चाहिए था, नहीं उतना, या तो हम उसको वाटर शूट के रूप में काटे या फिर उसको हम बंद रखे। क्योंकि बंद इसलिए रह रही क्योंकि हम बहुत मोटी हेडबैग दे रहे हैं, वो नीचे जा रहा है, 2-1 बीमा आता है, 2 बीमे आते हैं, पीछे का बंद रहता है, हमेशा के लिए बंद रहता है। और जब आप वाटर शूट काटते हैं एक लंबी टहनी से कम आप 7 फुट में 50 जख्म दे देते उसको। कभी भी आप उसको अंदर से काट के देखिए, वो डेड वुड होता है हमेशा। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि हम टैनिंग को भी सीधा नहीं जाने देते, एंगल बहुत देते हैं। यहां से हम इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, एंगल बाहर को ले जाने की कोशिश करेंगे। जहां आपने बाहर को टहना ले जाने की कोशिश की वहां पेड़ खत्म होने की कगार में आता है।
और मोटे कट्स मारते उसने पीछे से भी अब बाहर को जाना है हम उसको नेचुरल नहीं रखे धोने को जितना नेचुरल सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा मेरा तो ये कहना है कि एक भी वाटर शूट ऐसा नहीं जाना चाहिए आपके जिसमें बीमा ना बनाया तब मजा है अगर आप तलने में भी वो आपके बीमा होता है ना उसमें भी फ्रूट सबसे बढ़िया बनता है अगर धूप पहुंचेगी सबसे बढ़िया ऊपर चोटी से भी बढ़िया बनता सिर्फ धूप पहुंचनी चाहिए वो आपने पहचानी आप सेकेंडरी में मिली थर्ड में मिली चौथे तलने में बीमा दे रहे हैं फर्स्ट आपका लीडर हो गया उससे आपका टर्नर निकल गया सेकेंडरी निकल गया उससे थर्ड निकलता साइड को उससे अगर चौथे पे ले रहे आप फ्रूट इतनी पतली टहनी से ले रहे हैं उलंबी जा रही है हवा चलेगी तूफान से खराब हो जाएगा जितना ज्यादा आपका मोटे टहने के पास बीमा होगा ना तूफान उसको फर्क डालेगा ना कोई फर्क पड़ेगा ना वो धूप हो गया क्योंकि आपका एरिया एक फुट में है टहने से उसे दूर है ही नहीं बीमे का एरिया और वो पूरा भरा हुआ है फ्रूट भी ज्यादा उतरेगा और क्वालिटी बहुत अच्छी होगी ये तो आपने भी देखा होगा बस सिर्फ ये देखना आपने कि रोकनी कैसी साइड को चोटी में ले जाओ आप 10 फुट का 20 फुट का टर्न कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ पीछे की ग्रोथ नहीं चाहिए जहां आप बीमा बना रहे हैं हमारा कोई कंसेप्ट है चोटी में भी हेडबैक है तो पीछे भी हेडबैक है आगे खुला है तो पीछे भी खुला है अगर आप जैसे हम बोलते हैं खुला छोड़ दो जी पेड़ इसमें बीमा आएगा आता है चोटी में आता है पर अगर उसमें शेर लगे ना दूसरे साल उल्टा हो जाता है वो टर्न और फिर दूसरा पीछे से काटने पड़ते हैं बीमा बना के करना पड़ता बनता नहीं वो ग्रोथ रोक के या कमजोर टहनी पे डाल के या फिर जो जितना जहां आपने टहनी रोकनी है आपको पता होना चाहिए कि यहां मैंने रोकना है इस पेड़ को भी यहां मैंने बीमा रोकना है इस टहनी को रोक लेना यहां मेरे को ग्रोथ नहीं चाहिए तो हम बीमा बनना चाहिए तब मजा है पुण्य का और आप सिर्फ बाय वेट लेस देन 1% वुड कट करो एक पेड़ से लेस देन 1% तब मजा है पुण्य का मेरा ये कंसेप्ट नहीं है कि छोटा रखो बड़ा रखो आपकी मर्जी है उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं रॉयल का भी ऐसा ही बनता है आप विश्वास करो कि रॉयल का बीमा ज्यादा मोटा और ज्यादा अच्छा होता है स्पर से रेडजी वगैरह से अगर आप रोक रोक लोगे और बाइनियल बिलिंग कभी नहीं होती रॉयल में जो कि एक इंटरनेशनल कंसेप्ट है कि बाइनियल बिलिंग आती है एक साल 100 पे की हो रही है दूसरे साल 60 हो रही है नहीं होगी अगर एक साल 100 हो रही है दूसरे साल 101 जाएगी साफ नहीं आएगी अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ठीक रहेगी तो 15 साल से मैनुअल थिनिंग कर रहा था एक्चुअल सी बात बोलूंगा आपको एक एक दाना रखना है हमेशा इस साल के वहां हमारे फ्लोरिंग पे 3-4 इंच चोला आ गया फुल फ्लोरिंग पे मेगा सेव ड्रिप नहीं लगा पहली बार उड़ाया जिंदगी में वो लेके एक्सपीरियंस हालांकि वो फसल बंपर क्रॉप लगी पता नहीं कैसे लगी थिनिंग नहीं की मैं कहीं झड़ जाने नहीं वो झड़े भी नहीं पर साइज फिर भी बना क्यों क्योंकि वो मोटे टहने के पास था वहां से सैप इजीली अवेलेबल हुआ उसको आप बोलते जी मेरे पास रेड का पेड़ है मैंने काट देना मैंने टॉप करना है अगर आज का सिनेरियो देखो ना अगर आपके पास रेड सीप या स्कारलेट स्पर है उसका साइज नहीं है उससे अच्छा साइज वाला रेड बिकता है मार्केट में जो प्रॉब्लम उसको चलने दोगे खराब होता तब सोचो नहीं था क्योंकि पैसा उसी से आ रहा है ऐसी सक्सेस स्टोरी कोई नहीं है कि भाई मैंने इतना कर दिया रूट स्टॉक में मेरे पास भी 10-12 बीघे रूट स्टॉक पे अभी तक कुछ मजा नहीं खास नहीं आया पैसा जैसा आना चाहिए सीडलिंग में मैं 3-4 साल क्रॉप ले रहा हूँ रूट स्टॉकों में थोड़ा सा फर्क भी आता है कि जो सीडलिंग में है डंडी के पास रस्टिंग आती है थोड़ी सी वो रूट स्टॉक में नहीं आती बहुत कम आती है वो फिर हमारी जो प्रैक्टिसेस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव करें तो भी कम हो जाती है और एक बात और बोलूं मैं घर पे होना चाहिए एवरीवन इज वेलकम सभी भी आए सभी विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद